हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? क्या हाल है? हेलो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हो? मैं संतोष साहू। और स्टूडेंट्स, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बताओ अपने बारे में। हेलो, हेलो जैकपॉट क्लब। हेलो मनोज पांडे, क्या हाल है भाई? हेलो मनोज पांडे, क्या हाल है भाई? हेलो मनोज पांडे, हेलो हेलो जैकपॉट क्लब, हेलो हेलो मनोज पांडे। और बच्चों, कैसी पढ़ाई चल रही है? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? आवाज आ रही है ना मेरी? आपके पास आवाज तो पहुंच रही है ना? हेलो मयंक जैन, क्या हाल है भाई मयंक? और पढ़ाई कैसी चल रही है दोस्तों? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना आपके पास? आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? रिप्लाई करें जिससे मुझे पता लगे कि मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हेलो, और दोस्तों कैसे हो? अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ट्वेल्थ के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और इस बार जो एग्जाम है वो जल्दी है, 20 फरवरी से ही है, तो अपनी पूरी तैयारी कर लो, कमर कस लो। हेलो देवेंद्र सिंह, कैसे हो? हाँ दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप टाइम कम बचा है और अपनी पढ़ाई के लिए पूरे रात दिन एक कर दो, जितनी तुम मेहनत कर सकते हो करो भाई। और जो अधिकांश स्टूडेंट हैं वो या तो 12th क्लास के हैं या 11th क्लास के हैं। तो दोस्तों, तो आज जो मैं बात कहने वाला था, आज मैं आपको ये बताने वाला था कि देखो, एक मोटिवेशनल स्पीच के बारे में बात करता हूं मैं। आज एक दो दिन पहले की बात है, जब मैं सुबह कठुमर जा रहा था तो एक मेरा पुराना पढ़ाया हुआ स्टूडेंट मिला था। और जो वो स्टूडेंट है वो ऐसा स्टूडेंट रहा है, मतलब मीडियम स्टूडेंट था, ना कोई इंटेलिजेंट था, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, एक मीडियम स्टूडेंट था। पर उसने घर पर ही तैयारी की थी, गरीब स्टूडेंट था, घर पर ही उसने तैयारी की है कंपटीशन एग्जाम की और आज वो नीट में सेलेक्ट हो चुका है। तो मेरा दोस्तों ये कहना है कि तुम्हें ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। सिंपल बेस आता है पेपर, पेपर में अगर मान लो 50 क्वेश्चन आए केमिस्ट्री के, तो किसी भी पेपर में 50 में से लगभग 35 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल इजी आते हैं। अपना फोकस उन 35 क्वेश्चन पर करो। ठीक है दोस्तों, और सुनाओ पढ़ाई कैसी चल रही है? अपनी पढ़ाई को रेगुलर करो, पर डे लगभग 8-10 घंटे, 8-10 घंटे तो हमें निकालने ही हैं पढ़ने के लिए हर हाल में। अपन को पढ़ाई करनी है। हेलो राजेश शर्मा, हेलो हेलो राजेश शर्मा, हेलो काव्या, काव्या अग्रवाल, हेलो और दीपक मीना, हेलो। देखो स्टूडेंट, अपनी पढ़ाई में लग जाओ। अब जो पीक टाइम बोले ना, तो जितो पढ़ाई का लिए जो मेन टाइम है वो चालू हो गया है। अपनी पढ़ाई में अधिक से अधिक समय निकालो जितना हो सकता है। अपने महेश सैनी, हेलो
कैसे हो दोस्तों? तुम मेरे इस लाइव में आज शामिल हो, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, ये प्रिंस है क्या? चलो कोई बात नहीं। और अपनी पढ़ाई को बढ़ा दो भाई, अब जितना टाइम हो सकता है ज्यादा से ज्यादा टाइम दो अपनी पढ़ाई के लिए। जितना हो सकता है, जितना तुम ज्यादा समय निकाल सकते हो उतना समय पढ़ो, 10 घंटे 12 घंटे, जो चैप्टर तुम्हारे वीक है पहले उन पर फोकस करो और अपनी कमियों को दूर करो, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। अपनी जो भी कमियां हैं, जहां पर अपनी वीकनेस है, हमें अपने आप पता रहता है कि हमारी कमी कहाँ है। जिस भी टॉपिक में कमी है उस टॉपिक पर फोकस करो और उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई? जैसे तुम्हें ऑर्गेनिक हार्ड लगती है तो ऑर्गेनिक को विशेष टाइम दो, उसको ज्यादा समय दो और की बजाय। कुछ समय है, अब ज्यादा समय बचा नहीं है तो अधिक से अधिक समय दो। राजेश शर्मा क्या कह रहा है? सर आई एम वेरी अटैच्ड विद यू। चलो ये तो आपकी सब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी स्टूडेंट बढ़िया हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। और जो ये चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को जो कुछ मैंने सीखा है अब तक, जो कुछ मैंने पढ़ा है, उन्हें अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को पहुंचा सकें। और आप सभी का ये दोस्त है, जो भी आप मेरा सहयोग दे रहे हैं, ये सब आपका प्यार है जिससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं कोशिश करता रहूंगा कि इस तरह की लाइव क्लास भी आपके लिए उपलब्ध कराता रहूं। आज तो फर्स्ट डे है, मैं ट्राई कर रहा हूं केवल कि लाइव क्लास चलती कैसे है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास में आपके लिए, आपको कुछ टॉपिक जो आपकी कमियां हैं जो मुझे बताओ, उनको मैं आपको समझाता रहूं। हेलो महेश गुरु जी, आप, मुझे तो आपका इंतजार था कि आप कब लाइव आते हो। अच्छा, महेश गुरु जी को तो आप जानते होंगे, फेमस हैं, लगभग 1 लाख के आसपास इनके सब्सक्राइबर हैं। इंग्लिश का बड़ा शानदार चैनल है इनका, इनकी वीडियो को भी देखा करो आप, आपके इंग्लिश में सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा आपको। तो दोस्तों, आप जो इतना मेरा संग दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अपना टाइम निकाल करके, कीमती समय निकाल करके, तो अपनी जो मेन चीज है अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तो अब अच्छा, ये जैकपॉट लव के नाम से मुरारी है, तो मुरारी अपने नाम से आईडी बना लो यार, जिससे मुझे पता तो रहे। और दोस्तों, अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ, किस टॉपिक में आपको समस्या है, आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसके बारे में डिस्कस करो, जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। आपको कोई भी समस्या है केमिस्ट्री से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक में आपकी समस्या है उसे मुझे बताओ, जिससे आपको उसको सरल बना सकूं, उसमें आपकी हेल्प कर सकूं। हेलो काव्या, जो भी आपके कोई भी समस्या है उसको मेरे सामने रखो, जिससे मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकूं, आपकी उस समस्या को दूर कर सकूं। देखो, ये लाइव जो अपन आ रहे हैं, इसका फायदा यही होना चाहिए कि आपकी समस्या मेरे सामने आए और मैं उन समस्याओं पर फ्री हूं अब इस समय। अब कोई मेरी क्लासेज नहीं है, पूरे दिन बिजी है, वो बात अलग है, फिर आप तो फ्री है, जो भी तो तुम्हारी समस्या है मैं उस पर डिस्कस कर सकता हूं, इस समय फ्री टाइम है। तो अपनी समस्या को सामने लाओ, क्या समस्या है। अच्छा, अच्छा, दीपक मीना का कहना है कि उसको फिजिकल केमिस्ट्री में समस्या है। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें तुम ये कह सकते हो कि हर चीज कंसेप्चुअल है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रटने पर आधारित है। अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री को रटोगे, बिल्कुल गलत। एक तो काम सुनो कि जो बोर्ड एग्जाम की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बोर्ड एग्जाम में बात करें तो एक तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे वो चैप्टर हो तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स हो, समझ रहे हो मेरी बात, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, सभी चैप्टरों में से न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन पर जोर दो और हर चीज को समझो। और तुमसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि न्यूमेरिकल करने के लिए या किसी भी चैप्टर को करने के लिए पासबुक की हेल्प लो और पासबुक में से देखो उन्हें कि क्या आंसर लिखा है, समझ रहे हो मेरी बात। पासबुक की हेल्प बहुत जरूरी है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो आपको वीक लगती है उस पर ज्यादा फोकस रखो, और मुझे जो समस्या आ रही है उसे मेरे सामने ला लो कि हमें ये समस्या आ रही है। हाँ भाई, अमन ब्रजवासी का कहना है कि आवर्त सारणी को कैसे याद करें। देखो, आवर्त सारणी को याद करने के लिए ट्रिक होती है जो मैंने बताता है, और एक वीडियो मैं ऐसी भी बनाऊंगा जिसमें आवर्त सारणी के बारे में ट्रिक डालूंगा कि भाई कि कैसे आवर्त सारणी को याद करें। वैसे मैंने जो एक वीडियो इस तरह की मैं बनाए दूंगा आगे, जिसमें आवर्त सारणी के लिए आपको ट्रिक बताई जाएंगी, और उन ट्रिकों के माध्यम से आवर्त सारणी को आप याद कर सकते हैं। जल्दी ऐसी वीडियो आएगी आपके सामने जिससे मुझे पता चले कि आप क्या जानना चाहते हो। तो आपके लिए जल्दी ही मैं आवर्त सारणी से रिलेटेड एक वीडियो तैयार करूंगा और उस वीडियो को आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद आकाश पारासर, सुबह सिंह, सुभाष सिंह, धन्यवाद। हाँ, मयंक जैन का कहना है कि फिजिकल तो है। अरे, कोई टॉपिक किसी के लिए सरल हो सकता है और किसी के लिए कठिन हो सकता है। किसी को फिजिकल केमिस्ट्री सरल लगती है और किसी को ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सरल लगती हो। देखो, सरल तो सब चीज है, बशर्ते उन्हें ढंग से पढ़े और हर चीज को समझ के पढ़े। डीबीटी बहुत अच्छी समझ आई। चलो धन्यवाद, कम से कम डीबीटी तो समझ में आई भाई, कम से कम ये तो है कि कब कुछ तो समझ में आया, कम से कम डीबीटी ही समझ में आई आपके। तो दोस्तों, ये आप सबका सहयोग है, आपके सहयोग से ही मैंने ये चैनल तैयार किया है और आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आप आगे बढ़ सकें। दीपक मीना क्या कहना चाहते हो, मैसेज आया है कि वी आर वेटिंग सर, किस चीज के लिए वेट कर रहे हो, मैं समझ नहीं पाया। हेलो दोस्तों, तो एक तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लो, जितनी ज्यादा समय निकाल सकते हो निकालो। देखो, 11th के स्टूडेंट क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं। मैं 11th के स्टूडेंट से बोलना चाहता हूं कि वो 11th को बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं, जबकि 11th एक महत्वपूर्ण है भाई तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी 11th स्ट्रांग होगी तो ही आपकी 12th स्ट्रांग होगी। अगर आपने अपने 11th को वीक बना लिया तो 12th में आप केमिस्ट्री हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उस पर कभी कमांड नहीं पा सकोगे। अमन ब्रजवासी कहना चाहता है कि सर, मूल कंसेप्ट में से भी 12th क्लास में क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, मूल कंसेप्ट तो नहीं आता 12th क्लास में, पर 12th क्लास में हम कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, सांद्रताएं, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता वगैरह, जो मूल कंसेप्ट से कनेक्ट हैं। और देखो, मूल कंसेप्ट जो टॉपिक है इसकी आवश्यकता फिजिकल केमिस्ट्री में तो पड़ती रहती है। तो मूल कंसेप्ट को मैं कहूं, अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसका बेसिक है, आपका मूल कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट 12th में पड़ेगी। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में तो ये काफी काम आता है, बिलियन वाले चैप्टर में। इसके अलावा जरूरत तो इसकी पड़ती रहती है। सचिन, धन्यवाद सचिन। अच्छा, सचिन के नाम से आईडी है श्याम सिंह की, धन्यवाद। अच्छा दीपक मीना, अच्छा वीडियो के लिए, हाँ आपकी वीडियो में डालता रहता हूँ भाई दीपक मीना, आपके लिए ही काम चल रहा है और वीडियो तो आती रहेंगी क्योंकि मैं लगातार जितना मुझे टाइम मिलता है, बिजी लाइफ है, सुबह से शाम तक जितना मुझे टाइम लगता मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो तो अपलोड करता ही रहता हूँ। देखो, इतना जरूर है कि बिजी लाइफ होने के कारण वीडियो, हालांकि एक दो दिन में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, पर जितना टाइम मिलता है मुझे भी प्रिपेयर करना पड़ता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और फिर एडिटिंग वगैरह बहुत करना पड़ता है तो उसके लिए टाइम चाहिए। अच्छा, प्रकाश शर्मा का कहना है कि 11th के वीडियो डाली है। हाँ भाई प्रकाश शर्मा, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि मैंने जो भी वीडियो डाली है उनमें 90% वीडियो 12th क्लास की है। देखो, मैंने पहले ये सोचा, मैं मेरी सोच बताता हूँ कि एक बार 12th की बोर्ड क्लास है, एक बार 12th के स्टूडेंट के लिए मैटर डाल देते हैं, उसके बाद 11th का ही नंबर लेना है।
पर जैसे स्टूडेंट्स की मांग दिख रही है मुझे, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि आप सर 12th क्लास की भी वीडियो डालिए, 11th की भी वीडियो डालिए। तो अब मैं ऑब्लिक में चलाऊंगा, दोनों क्लास की वीडियो आती रहेंगी, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। मयंक जैन, सर हमारा टारगेट 12th में परसेंटेज बनाना नहीं, नीट क्लियर करना है। देखो वो नीट क्लियर करना है, मैं उसी पे एक बात बता रहा था, जो अपने यहाँ एक पास का गांव है, यहाँ पर एक स्टूडेंट अपने यहीं पढ़ा था, GIS में एक स्टूडेंट पढ़ा था, वो कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए नहीं गया, उसने घर पर ही तैयारी की थी। वीक स्टूडेंट था, पैसे से गरीब स्थिति थी, एक कोचिंग में जयपुर में उसने कुछ 15-20 दिन रहा, पर उसका खर्चा उस पर मतलब घर वाले बहन नहीं कर पाए, तो वो आखिरकार अपने गांव में आकर के तैयारी की। देखो और वहीं से ही सेलेक्ट हुआ है, किसी कोचिंग में नहीं गया, मतलब उसने जो हमने पढ़ाया है उसको ही पढ़ा है, उसको ढंग से पढ़ा है। देखो कोई भी पेपर हो 50 में से 30 है, अगर तुम उन क्वेश्चनों को ही सही कर लेते हो, हमें 100 में से 100 नहीं करने हैं, 100 में से 70 ही सही कर लोगे, 70% भी, तो आपका सिलेक्शन होगा। एक अग्रवाल धन्यवाद, ये सब आपका बड़प्पन है जो आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, मैं आपका ये सहयोग मिल रहा है, मेरे लिए तो ये बहुत है। दोस्तों आपका इसी तरह से सहयोग रहेगा तो मैं भी अपनी जी जान से आपके लिए समर्पित रहूंगा, मैं जो अपनी वीडियो डालता रहता हूं वो आपने देखते रहे टाइम टाइम पर, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, मैं केवल आपके लिए ही कुछ करने का कोशिश कर रहा हूं। अमन ब्रजवासी का कहना है कि सर क्या 11th क्लास का सिलेबस 12th क्लास में भी है? अरे ऐसा नहीं है, देखो 11th और 12th, 11th जो है ये बेसिक केमिस्ट्री है, तो बेसिक केमिस्ट्री तो 12th में आवश्यक होगी ही, सभी चैप्टर चाहे वो 11th क्लास के हैं वो 12th क्लास में जुड़ जाते हैं, 12th क्लास में काम आते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, 11th के चैप्टर तुम्हारे 12th क्लास में काम आएंगे। जैसे अपन किसी भी चैप्टर को ले लेते हैं, जैसे अपन इस समय मान लो बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, केमिकल बॉन्डिंग की, इन चैप्टर को पढ़ते हैं जो 11th क्लास में है, तो ये 12th क्लास के पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पी डी और एफ ब्लॉक तभी समझ में आएंगे जब 11वें के आपके पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, समझ रहे हो मेरी बात, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर क्लियर है, केमिकल बॉन्डिंग क्लियर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक चैप्टर है वो 11th में है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ। अब ये चैप्टर आपके क्लियर नहीं होंगे तो 12th में 4 चैप्टर हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, वो चारों चैप्टर आपके वीक रह जाएंगे, तो 11th की केमिस्ट्री तो बहुत जरूरी है भाई। अभिषेक मीना धन्यवाद। हाँ एक ये आया है, मोटिवेशनल वीडियोज बाई SJ, हु इज हेयर BDS, BDS ये कहाँ है? देखो BDS ये जो है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में एक विद्यालय का नाम है जहां मैं पढ़ाता हूँ BDS। एक स्टूडेंट का कहना है कि सर अगर आपका चैनल ग्रोथ करेगा तो आप लाइव नहीं करोगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लाइव आता ही रहूंगा, मैं तो आज पहली बार फर्स्ट डे ट्राई कर रहा हूं, अगर मेरा चैनल ग्रोथ भी कर जाता है तो भी मैं आपके लिए समर्पित रहूंगा और इसी तरह से लाइव आता ही रहूंगा। एक कह रहा है मिलिता गेमिंग, सर केमिस्ट्री बॉन्डिंग कौन सी केमिस्ट्री का चैप्टर है? केमिकल बॉन्डिंग कौन सी केमिस्ट्री का चैप्टर है? बेटा ये सब चैप्टर है जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग हो, पीरियोडिक टेबल हो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, समझ रहे हो मेरी बात। अपन की जो का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी मेन तो तीन ही ब्रांच है, अपनी जो केमिस्ट्री है इसकी मेन तो तीन ही ब्रांच है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, रासायनिक आवंदन वाला, ये केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर इनऑर्गेनिक चैप्टर का बेस चैप्टर है, ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है। और बच्चों बताओ आपकी जो भी समस्या है। अच्छा मनोज पांडे का कहना है कि लाइव बेस्ट है, देखो लाइव तो बेस्ट है पर लाइव में हम अपनी तरफ से जो एडिटिंग है वो नहीं कर पाते, एक वीडियो बनाई जाए जो पीछे इस पर डाउनलोड की जाए तो उसमें तो हम एडिटिंग कर सकते हैं, पर लाइव वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होती है, हालांकि
लाइफ बेस्ट रहता है, इसमें हमें तुम्हारी समस्याओं को पता रहता है, हाँ, मोटिवेशनल वीडियोज बाई एस जे। ये कहना चाहता है कि मैं BDS खेड़ली की 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, 11th क्लास के लिए ही YouTube पर पढ़ाया करो। देखो अब जल्दी ही, मैंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, अब मैं जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ उसमें दोनों क्लास के लिए वीडियो आती रहेंगी, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, अब एक एक करके चलती रहेंगी, जैसे आज 11th की और आज 12th की। मेरी कोशिश है कि 12th को तो मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, मैं 12th क्लास को तो CBSE और RBSE बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, पर मेरी कोशिश है कि मैं 11th क्लास को जो पढ़ाऊं उसको उस लेवल पे पढ़ाऊं IIT और NEET लेवल के लिए। तो मैं 11th क्लास के लिए वीडियो डालूंगा और उनका लेवल इतना हाई रखूंगा कि ताकि आपका IIT और NEET में आसानी से सेलेक्ट हो सके। तो अब मैं 11th के लिए भी लगातार वीडियो अपलोड करता रहूंगा। काव्य अग्रवाल का कहना है धन्यवाद, मुझे तो आपके सहयोग की जरूरत है ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूं। ऐसे का कहना है धन्यवाद, आप सभी लाइव आए, आपने अपनी समस्याएं बताई, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी बात जानकारी करनी है, किसी भी चीज के बारे में जानना है, तो अपनी समस्याएं मुझे बताओ ताकि मैं उनके बारे में आपको बता सकूं, उनका निराकरण कर सकूं, उन्हें दूर कर सकूं। तो दोस्तों आपने अपना सहयोग दिया, ये काफी अच्छी बात है, मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये केवल आपके लिए। और कोई स्टूडेंट कोई भी बात पूछना चाहे तो पूछ सकता है, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, केमिस्ट्री रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, तो ये आज मैं लाइव आपके लिए आया हूं, उसी तरह की मैं आपके लिए समस्या को आपको दूर कर सकता हूं। आकाश बारा सर धन्यवाद जो आपने ये कहा, लोकेश कुमार नमस्ते, और लोकेश कुमार कैसे हो, आपकी कोई भी केमिस्ट्री रिलेटेड समस्या है आप इस पर डालो, जिससे मैं आपके बता सकूं, आपकी उस समस्या का निराकरण कर सकूं। ऐसे का कहना है कि सर आप जब भी लाइव आओ हमें क्लास में जरूर बताएं। देखो स्टूडेंट मैं क्लास में बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि चलो मैं जहां तक कोशिश करूंगा कि जब भी मैं लाइव आऊंगा आपको क्लास में पहले सूचित कर दिया जाएगा, और अब मैं लाइव क्लासेज में जो आगे की मेरी लाइव क्लासेज रहेंगी उनमें भी आपको पढ़ाया करूंगा, जिससे कम से कम आपको बेनिफिट मिल सके आपकी समस्या के अनुरूप। जैसे मुझे आपने अभी एक बताई कि आवर्त सारणी के बारे में, तो आवर्त सारणी को कैसे याद करें, आवर्त सारणी के लिए भी मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा ताकि आपकी आवर्त सारणी की समस्या को दूर कर सकूं। हाँ मुरारी कंडोरिया का कहना है कि नहीं सर आप तो बस 11 की वीडियो डालो। देखो मैं भी कह चुका हूं 11 की वीडियो भी अब लगातार आती रहेंगी, अब तो 11वीं की वीडियो ही स्टार्ट करनी है, लगातार 11वीं की वीडियो भी आती रहेंगी, पर आप जो ये सहयोग कर रहे हो ये आपके लिए, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिषेक मीना देखो ज्यादा ये ऐसे मतलब ग्रेट सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आम इंसान है सभी, केवल जो मेरा दायित्व है कि आपके लिए आपका सहयोग करना वो महत्वपूर्ण है। आप संग दो ताकि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो अपलोड कर सकूं, मैं भी अपना टाइम निकाल करके लिए आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूं। योगेंद्र जाट का कहना है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद कैसे करें। देखो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली बात तो याद करने की कोई चीज है नहीं कि तुम इसको याद करें, इसके लिए तो कॉपी उठाओ पेन उठाओ रिएक्शन को देखो, रिएक्शन का कंसेप्ट समझो, उसकी मैकेनिज्म को समझो, बात को समझो कि रिएक्शन कैसे हुई है, उसकी मैकेनिज्म पर अपने दिमाग में एक थीम बनाओ उसकी कि ये किस तरह से हुई है, फिर उसको बिना देखे लिखो कॉपी पर। एक मैंने कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाओ, तुमसे बार बार कहता हूं कि और एक नोट्स बना लो जिसमें केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन 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 लिख लो, और उन्हें अपने कहीं भी चिपका लो घर में, जहां पर आप जहां पढ़ते हो वहां पर डेली 5-5-5-5 ऑर्गेनिक की रिएक्शन देखते रहो, आसानी से बहुत टाइम है बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। याद नहीं करके नहीं, उन्हें रटे नहीं, उन्हें समझ के याद करें, जब तक तो वो आसानी से याद होंगे।
अमन शर्मा का कहना है कि सर केमिस्ट्री कितने घंटे पढ़े हैं। देखो केमिस्ट्री कितना पढ़ते हैं ये तुम्हारे मतलब इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी केमिस्ट्री वीक है, मैं तो ये कहता हूं कि जो भी सब्जेक्ट वीक है उसे सबसे ज्यादा टाइम दो, और आपको लग जाए कि जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रॉन्ग है उसे कम टाइम दो। अगर आपको लगता है कि आपकी केमिस्ट्री ढंग से प्रिपेयर नहीं है तो उसको सबसे ज्यादा टाइम दो, समझ रहे हो। तो पढ़ने के लिए तो आप कितने घंटे पढ़ सकते हो वो आप डिपेंड करता है कि वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट कैसी है। अच्छा अमन ब्रजवासी का कहना है कि सर 11 क्लास के तीसरे चैप्टर में आवर्तिता में कंफ्यूजन रहता है। अच्छा जो थर्ड चैप्टर है, अच्छा पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में गुणों की, देखो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, एक बार इनकी भी मैं आप में लग जाता हूं, अब जो वीडियो डालने वाला हूं उसमें पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करूंगा, तो पीरियोडिक टेबल के को जब अपन स्टार्ट करेंगे तो जो आवर्तिता वगैरह है ये सब समझ में आ जाएंगी, जिनसे कोई समस्या नहीं आएगी आपको। मुरारी कंडोरिया थैंक्स, आपके सहयोग के लिए थैंक्स। आकाश पारसर का कहना है कि सर केमिस्ट्री को कैसे याद करें। अरे याद मत करो, सब्जेक्ट थोड़ी है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो बिल्कुल समझने की सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री को हिंदी की तरह मत पढ़ो, हिंदी की किताब ले ली बेड पर लेटे हुए आराम से पढ़ रहे हैं, और अधिकांश स्टूडेंट करते भी यही हैं, केमिस्ट्री का अध्ययन भी ऐसे ही करते हैं, उसको हिंदी बना देते हैं। अरे हिंदी मत बनाओ उसे, आराम से बैठ करके धीरे धीरे लिख लिख करके पढ़ो। देखो लिख करके पढ़ोगे लंबे समय तक स्टेबल रहेगी, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट हो, तो उस पर फोकस करो, लिख लिख करके पढ़ो, उसको समझो, ना कि बेड पर आराम से हिंदी की तरह। योगेंद्र जाट लाइव बेस्ट है सर, धन्यवाद, अगर लाइव क्लास आपको सही लगी हो तो। महेश सैनी का भी यही पूछना है केमिस्ट्री कितने ओवर पढ़े, कि केमिस्ट्री को कितना समय दें। देखो मेरे हिसाब से तो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी को बराबर वेटेज दें। अगर आप पर डे 6 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे में से कम 2 घंटे 1.5 घंटे तो केमिस्ट्री के लिए आराम से मिनिमम निकालें। देखो पेपर में नंबर लाने के लिए केवल चैप्टर को पूरा करना ही मेन टारगेट नहीं होना चाहिए, किताब के जो बाहर के लास्ट के बुक के क्वेश्चन है वो भी आपको कंप्लीट करने हैं, तभी जाकर के वो चैप्टर आपका कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा टाइम दें अगर आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट वीक है, अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो कम टाइम में भी काम चल जाएगा। धन्यवाद रवि कुमार। और कोई किसी की कोई भी किसी तरह की समस्या है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई समस्या नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी की कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि वीकनेस तो सभी की होती है। मैं तो क्लास में बहुत तेज बोलता हूँ यार, यहाँ नहीं बोल रहा क्या, जैसे तेज बोलता हूँ क्लास में। देखो तेज बोलने से कुछ नहीं होता, मेन चीज होती है समझना, और मैंने यह अनुभव किया है कि तेज बोलने से नहीं आता समझ में आता है जब आप धीरे धीरे बोलो तो वो ज्यादा जल्दी कैच होता है। महेश गुरु जी का कहना है कि लाइव सही चल रही है, ये सब अगर केवल आपकी ही देन है जो आप इतना हमें मोटिवेट करते हैं, और आपकी वजह से जो चल रही है ये सब ठीक चल रहा है। देखो केवल आपकी ही कृपा है, मैं तो ये मानता हूं कि मेरे चैनल को बनाने में सब तरह से जो हमारे महेश गुरु जी हैं जो यहाँ BDS में इंग्लिश पढ़ाते हैं उनका पूरा सहयोग रहा है। इनका महेश गुरु जी के नाम से एक चैनल है इंग्लिश का। प्रकाश शर्मा का कहना है कि केमिस्ट्री की कितना टाइम दिया, केमिस्ट्री को आप देखो सब सब्जेक्ट के बराबर टाइम दो, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको जो भी जितने भी चैप्टर हैं या जितने भी जो सब्जेक्ट हैं सबका वेटेज क्या होता है, इक्वल होता है। रामवीर राठौड़ जी नमस्ते सर जी, ये सर हमारे टीचर हैं और ये लाइव हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने हमको पढ़ाया है रामवीर राठौड़ जी, और इनका इनकी जो बच्ची है वो भी मैंने पढ़ाई है, और ये सर हमारे अच्छे एक टीचर रहे हैं, हमें काफी इन्होंने नॉलेज दी है। दोस्तों ये बात भी सही है कि इन्होंने कहा है मुझसे मिली था जो है कि 11th में केमिस्ट्री की नोटबुक के साथ बुक भी पढ़े, हाँ 11th में आपके लिए प्रॉपर टाइम होता है,
अगर आप 11th क्लास में हो, प्रॉपर आपके पास टाइम है, ये तो नहीं कोई बोर्ड एग्जाम है, आपके पास कोई प्रेशर हो, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक उपलब्ध है जो आपके लिए हेल्प करेंगी। तो 11th क्लास में हो तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जितनी भी पढ़ सकते हो आप फ्री हो, आप पर कोई ये तो नहीं कि बोर्ड का एग्जाम है, आप पर कोई प्रेशर है। जब प्रेशर नहीं है तो खूब आराम से मस्ती से पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। धन्यवाद रामवीर जी सर। कुलदीप गौतम का कहना है कि ऑर्गेनिक कैसे याद करें। देखो वही बात मैं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक के लिए आप क्या करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो जो नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो जो नेम रिएक्शन है जिनके नाम है, जैसे फ्रीडन क्राफ्ट रिएक्शन हुई, स्वाल्ट रिएक्शन हुई, हेलोफॉर्म रिएक्शन हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो पेपर में ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो जितनी भी नेम रिएक्शन है ऐसा कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जितने भी सभी नेम रिएक्शन है उनको नोट्स में लिख लो, उन पे विशेष फोकस करो। जब वो आपके लर्न हो जाए ढंग से तब आप अन्य रिएक्शनों पर फोकस करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ ना, केवल रिएक्शन रिएक्शन लिखो और चिपकाओ कमरे में, 10-10 रिएक्शन डेली पढ़ो, अपने आप धीरे धीरे याद होंगी, क्यों नहीं होंगी। मुरारी कदोरिया का कहना है कि सर हमको नीट के क्वेश्चन बताओ यूट्यूब वीडियो पर। बिल्कुल, मैं धीरे धीरे मैं बोल ही रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 11th में जो मैं लेवल रखूंगा वो नीट और IIT के लेवल का ही रखूंगा। 12th में तो मुझे बोर्ड एग्जाम का लेवल रखना पड़ता है, पर 11th क्लास में मैं यही लेवल रखूंगा। और जब मेरी ये वीडियो है तो आप 12th वाले स्टूडेंट की उन वीडियो को ढंग से देखें, उनमें क्वेश्चन टाइप, हर तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह इनकी वीडियो में डालते रहूंगा, और आप प्रैक्टिस करते रहें वीडियो को देख करके, जिससे आपके कंसेप्ट और ढंग से क्लियर होते रहें। अमन शर्मा का कहना है कि केमिस्ट्री में 90% मार्क्स कैसे लाएं। 90% मार्क्स लाना बहुत इजी है। अगर आप पहली बात केमिस्ट्री में 90% मार्क्स लाना है तो सबसे बड़ी बात तो मैं बात कहूं कि एक तो कंटिन्यूस स्टडी, एक सिलेबस का अध्ययन करो कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, कि पहले चैप्टर में क्या आता है, 12th चैप्टर में से दूसरा चैप्टर है उसमें से एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो सभी चैप्टर में से देखो कि कौन से चैप्टर में से क्या पूछा जाता है और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो। जैसे मान लो अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो लास्ट के चैप्टर है केमिस्ट्री के, जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, देन डेली लाइफ केमिस्ट्री है, इनमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, कोई भी ऐसे बुक वगैरह मार्केट में बहुत सी आ गई है इस समय, बुक में से केवल उनमें से छोटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, देखो कि कैसे चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन पर मेन वर्क करो, नंबर तो अपने आप ही आएंगे आपके। लिखने का तरीका आपका पेपर में बेहतरीन होना चाहिए, पेपर में काटा फांसी नहीं करें, पेपर में बेहतरीन ढंग से लिखें, अपना आंसर इस तरह के लिखें कि सामने वाले को सब कुछ समझ में आ जाए। अमन ब्रिजवासी का कहना है कि सर नेवी फोर्स के एग्जाम में कितने परसेंट क्वेश्चन आते हैं। देखो नेवी वगैरह के एग्जाम में जहां तक मुझे नॉलेज है, कंफर्म तो नहीं हूं, पर उसमें 4 सब्जेक्ट आती हैं और उसमें केमिस्ट्री तो आती नहीं है शायद, नेवी के एग्जाम में फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश आती है शायद, और GK वगैरह आती है, केमिस्ट्री तो नहीं आती है शायद, और मुझे कंफर्म नहीं है, मैं बता सकता हूं जानकारी करके कि नेवी के एग्जाम में क्या आता है। अमन ब्रजवासी को कहना है अच्छा नेवी फोर्स के बारे में, देखो NDA वगैरह के में आती भी हो सकती है केमिस्ट्री, पर अगर आती है तो 11th 12th की आती है बेसिक, और इससे कोई ज्यादा ये नहीं कि बहुत हार्ड आती हो, 11th 12th की बेसिक केमिस्ट्री आती है। तो आपने मेरे को टाइम दिया, अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, ये आपके लिए बहुत है। अगर किसी को और कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, बाकी नहीं तो फिर मैं अब लाइव से हट रहा हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा संग दिया। मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट किसी बढ़िया एग्जाम में अच्छी जगह सेट हो जाएं और अच्छी नौकरी प्राप्त करें, अपने माँ बाप के जीवन को सुधारें, खुद के को सुधारें, बढ़िया मेहनत करो, जीवन में सब कुछ संभव है। जो बाहर आगे तुम कंपटीशन दोगे वो पेपर तो सभी जी आते हैं, बशर्ते आपने थोड़ी बहुत ढंग से प्रिपरेशन की हो, सिस्टमेटिक ढंग से चले हो। फिलहाल में 12th स्टूडेंट जो है बोर्ड एग्जाम पर फोकस करें। अमन ब्रजवासी धन्यवाद, मुझे आपने कहा कि आप बहुत अच्छा मोटिवेशन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है,
मोटिवेशनल का मोटिवेशन करने का काम मेरा नहीं है, मैं तो केवल पढ़ाना जानता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ और केवल पढ़ा सकता हूँ। चलो भाई थैंक्स फॉर ऑल, अब चलते हैं और किसी दिन दोबारा से लाइव आता रहूंगा और आपको इसके बारे में पहले से ही सूचित करता रहूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।